हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में मैं कुछ किचन डीआईवाई बनाने वाली हूं, जो कि कंप्लीट वेस्ट मटेरियल से होने वाला है। तो हम सबके घरों में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते, बट उन्हीं में से कुछ चीज़ों को आज मैं यूज़ करके किचन डीआईवाई बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए, ये पहले डीआईवाई के लिए हम लेंगे ये टिन बॉक्स जो है रसगुल्ले का डब्बा। इसके ऊपर मैंने जेसो का एक कोट कर लिया है एंड उसके बाद मैं ये डिज़ाइन इसके ऊपर ट्रेस कर लूँगी। इसको मैंने येलो कार्बन की हेल्प से ट्रेस कर लिया है इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। इस तरीके से डिज़ाइन थोड़ा सा पेंसिल से हाईलाइट हो जाए तो हमें काम करने में थोड़ा आसानी होती है। उसके बाद लेंगे मोल्डेड क्ले, उसमें होता है एक रेजिन और हार्डनर, दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा डो बनाएंगे। एंड हाथ पे स्टिक ना हो इसके लिए थोड़ा सा टेलकम पाउडर यूज़ करेंगे और इस तरीके से रोटी के शेप में हम इसे बेल लेंगे। और जो भी हमारा डिज़ाइन है, चाहे तो हम उसे हल्का हल्का पेंसिल से ड्रॉ करके भी क्ले के ऊपर कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम कट करते जाएंगे और अपने डिज़ाइन के ऊपर ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे भी लाइक कट्स दिखाने हो, फोल्ड दिखाने हो, उसे हम ब्रश के हेल्प से या फिर अगर आपके पास टूल्स हो तो टूल्स की हेल्प से आप उस पर कट्स वगैरह दिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसे आईज, नोज, लिप्स, ये सब थोड़ा हाईलाइट करना था, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बना के और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। एंड उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर कलर। तो पहले, सबसे पहले मैं एक बेस कोट करती हूँ वाइट का एंड उसके बाद जो स्किन का कलर है वो स्किन कलर पे स्किन का कलर कर दिया। शूज़ को ग्रे कलर से कर दिया। जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे ये क्यूट सा शेफ बनाना था तो मैंने थोड़ा कलरफुल बनाया है, लाइक लाइट येलो सा कलर रखा है मैंने शर्ट के लिए। ग्रीन पैंट, इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके हम कलर्स बना सकते हैं, हमें जो भी कलर चाहिए। और ये छोटे छोटे से बॉल्स बना के मैंने बटन हाईलाइट किया था तो उसे ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है, ब्लैक कलर से। एंड उसके बाद पूरे पे हम ब्लैक कलर से आउटलाइन कर देंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है, जो शेफ है, वो एकदम विजिबल, क्लियरली बॉक्स पे नज़र आए और एक एकदम क्लियर सा डिज़ाइन हमें नज़र आए। एंड उसके बाद मैंने साइड पे थोड़ा सा स्पंज की हेल्प से मैंने येलो कलर लगाया एंड उसके बाद ब्लू कलर की थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए था मुझे कलरफुल। ये हो गया हमारा कलरिंग पार्ट एंड उसके बाद कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश। और ये हमारा क्यूट सा कटलरी होल्डर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए लेंगे हम ये स्वीट बॉक्स। इसे थोड़ा और हार्ड और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने दोनों पार्ट को साथ में स्टिक कर दिया है ताकि थोड़ा हार्ड स्टिफ सा हो जाए। एंड उसके बाद लिया है मैंने ये डेकोपाज पेपर एंड इसे मैं बॉक्स के शेप से कट कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने हटा दिया। एंड उसके बाद लेंगे डेको मैजिक ग्लू एंड ग्लू की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका दिया है मैंने। ध्यान ये रखना है कि इसमें अंदर बबल्स ना आए चिपकाते टाइम। एंड उसके बाद जो बाकी का एरिया है उसे मैंने, जो भी ये वाइट रेड दिख रहा है, इसको मैंने ब्लैक जेसो से कवर कर दिया है। एंड उसके बाद इस ड्रॉप से मैंने थोड़ा सा फ्लावर को हाईलाइट किया सेंटर में। एंड उसके बाद लिया है गोल्डन कलर, उसे मीडियम में मिक्स करेंगे
और साइड से थोड़ा सा मैंने गोल्डन से बॉर्डर दे दिया है। लाइक इसको देने के बाद ना एकदम एक्चुअल देख के पता नहीं चल पा रहा था कि ये स्वीट बॉक्स से बना हुआ ट्रे है। एंड अंदर के फ्लावर को भी थोड़ा गोल्डन से हाईलाइट कर दिया। एंड लाइक जो फ्लावर है पेपर पे उसे भी मैंने थोड़ा कलर से हाईलाइट किया था। एंड साइड साइड पे थोड़ा गोल्डन से हाईलाइट किया। तो एंड उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे मॉड पॉज ग्लू का एक कोट, एक या दो कोट जो आप लगाना चाहते हो, ताकि ये अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बन जाए यूज़ करने के लिए। एंड उसके बाद स्केल से मैंने साइज मेज़र कर लिया है ताकि मुझे सेंटर मिल जाए। एंड उसके बाद पंचिंग से मैंने दो होल्स बना दिए इसमें। एंड उसके बाद लगाएंगे ये जूट रोप। ये थोड़ा थिक वाला जूट रोप है, ये मैं अपने होम टाउन से लेकर आई थी। और ये हमारा ट्रे हो जाता है रेडी, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि स्वीट बॉक्स से बना हुआ हो। तो जैसे भी हमें यूज़ करना हो, डेकोरेशन के लिए यूज़ करना हो, तो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद लिया है मैंने ये कैप जो कि जैम के बॉटल का है। एंड उसके ऊपर मैंने वाइट कोट कर लिया था एक्रेलिक कलर का। एंड उसके बाद ये है गिफ्ट रैप पेपर, इसमें से मैंने एक मोटिव कट कर लिया है कपकेक का। एंड उसको इसके ऊपर स्टिक करेंगे, तो इसको मैंने क्लियर कट कर लिया है और नीचे से थोड़ा पार्ट कट कर दिया, क्योंकि जो हमारे कैप का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाना चाहिए, तो उसको मैंने कट कर दिया था। एंड उसे भी डेको मैजिक ग्लू की हेल्प से हम चिपकाएंगे। ये पेपर थोड़ा थिक है तो इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था मैंने। एंड उसके बाद इस पे साइड पे मैंने कर दिया चॉक कलर। एंड जो ये डिज़ाइन है कपकेक का, इसको भी मैंने पूरा आउटलाइन करके हाईलाइट कर दिया। एंड इसके ऊपर छोटे छोटे से क्यूट से डॉट्स बना दिए हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने इस पे पिंक कलर से बनाया है ताकि ये क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट रेडी हो जाए हमारा। एंड उसके ऊपर मैंने एक मॉड पॉज का कोट कर दिया है ताकि जो हमारा ये पेपर है, कलर है, वो अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद चाहिए मैग्नेट, जो कि मेरे बेटे के टॉय से निकला है। ये मैं एक्चुअली लेकर आई थी बट उसने मिसप्लेस कर दिया है, तो फिलहाल ये यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। मैं इसके ऊपर इसे स्टिक कर दूँगी। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली इस पर स्टिक हो गया, बट इसे ग्लू से मैं सिक्योर कर दूँगी। और ये हमारा क्यूट सा मैग्नेट रेडी हो जाता है। आप इसे फ्रिज पे लगाना चाहते हैं, मैंने इसे माइक्रोवेव पे लगाया हुआ है, तो ये हमारा फ्रिज मैग्नेट रेडी हो जाता है। एंड उसके बाद लेंगे हम ये है केक का बेस। तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल था, तो मैंने इसे क्लीन करके रख लिया था यूज़ करने के लिए। इसके ऊपर हम करेंगे ब्लैक जैसो का एक कोट। तो हमारा एक बेस रेडी हो जाता है। एंड उसके बाद मैं बचे हुए क्ले से ही इसके ऊपर ईट लिखा है, और ये बहुत ही बेसिक सा फ्लावर बनाया मैंने और बो बनाया है। बहुत बेसिक था इसलिए मैंने इसे वीडियो में कवर नहीं किया है। इस तरीके के बेसिक से फ्लावर को कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने एक क्ले का प्रोजेक्ट इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। इसे ईट लिखने के लिए मैंने इसे हाथ पे ऐसे रोल किया है और पतले पतले से ऐसे स्ट्रिप्स कट करके मैंने लिख दिया इसे। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये लेस, जो कि एक कॉटन की लेस मेरे पास पड़ी थी, तो इसका एक छोटा सा पीस कट किया मैंने और इसे स्पून पे स्टिक कर दिया है। एंड उसके बाद है ये जूट रोप से बना हुआ बो, और इसको डेकोरेट करने के लिए, स्पून को डेकोरेट करने के लिए मैंने बनाया। एंड जो भी ये क्ले पार्ट है सबको पहले मैंने वाइट कलर से कलर कर लिया। एंड उसके बाद जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए हम कर लेंगे। तो मुझे वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए था,
तो ये सारा एक्रेलिक कलर से ही कलर किया है मैंने। बहुत ही बेसिक सा फ्लावर है और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत बेसिक सा लिया हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट था इसमें और क्या कर सकते थे। तो बहुत बेसिक सा फ्लावर एंड कलर भी बिल्कुल सिंपल, एंड उसके ऊपर वाइट से मैंने छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए फ्लावर को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा शेडिंग दे दिया है साइड से। एंड बो पे मैंने किचन लिख दिया, एंड जो भी खाली एरिया है जब कुछ समझ ना आए तो आप पोल्का डॉट से उसे कवर कर सकते हैं। तो वही मैंने भी किया, ऐसे पोल्का डॉट से कवर कर दिया है खाली स्पेस को। वैसे भी डॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं पर भी आप लाइक कॉम्बिनेशन करो ना डॉट से तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारा क्यूट सा किचन वॉल हैंगिंग रेडी हो जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के सिंपल से किचन DIY। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा DIY लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।